प्रधान और वर्तमान प्रधान में जमकर चले लाठी डंडे। दिलारी थाना क्षेत्र के गांव महमूदपुर लाल में पूर्व प्रधान और वर्तमान प्रधान आरिफ में जमकर लाठी डंडे चले। प्राप्त जानकारी के अनुसार गांव महमूदपुर लाल वर्तमान प्रधान आरिफ ने रविवार को थाने में तहरीर देकर कहा कि पूर्व प्रधान ने गाँव में पूर्व में पाए गए कोरोना पॉजिटिव लोगों को लेकर गाँव में प्रति मरीज पर सरकार की तरफ से 50,000 का अनुदान प्रधान को मिल रहा है। इसकी झूठी अफवाह गाँव में पूर्व प्रधान असलम ने गाँव में फैला दी है। वर्तमान प्रधान आरिफ ने जब इसकी जानकारी पूर्व प्रधान असलम से की तो पूर्व प्रधान ने वर्तमान प्रधान पर जमकर लाठी डंडे बरसाए और प्रधान मोहम्मद आरिफ, शकील, इलियास, रईस गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को डिलारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। शकील व इलियास को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। ग्राम प्रधान आरिफ ने थाने में तहरीर देकर कार्यवाही की मांग की है। वहीं पुलिस ने दूसरे पक्ष इस्लाम पुत्र छोटे को गिरफ्तार कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। क्या नाम आपका? जी मोहम्मद इलियास। ये सर में चोट कैसा आपके? क्या जी सर, हमारे जो पूर्व प्रधान है उनने और उसके घर वालों ने चारों ने मिलकर मारा है। जो मतलब उसके बिरादरी के किस बात को लेकर के मारा? उसके बिरादरी के कुछ लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। अच्छा, तो प्रधान जी का नाम ले रहे थे कि 20,000 रुपये प्रधान ले रहा है, 50,000 रुपये वो ले रहे हैं। मतलब स्वास्थ्य विभाग वाले ऐसो साहब को बताया गया, ऐसो साहब भी ले रहे हैं इसमें, ठीक है, जबरदस्ती घोषित कर रहे हैं। तो आपके चोट कहाँ लगी है? मेरे सर में चोट लगी है सर, ये सर में है और ये है और ये है। किस चीज़ से वार किया? मेरे चाकू से वार किया सर। चाकू से वार? कौन कौन से वार करने वाले? ये असलम बिरदान थे, थाना आलम है और उसका भाई है थाने आलम का। और बहुत लोग थे सामने, क्या बताऊँ, काफ़ी लोग थे, वो लोग मिले हुए थे, सारे बैठे हुए थे। हम अपने दूसरे घर को जा रहे थे। क्या नाम आपका? अच्छा, ये चोट जो लगी आपको क्या मामला था? यही मामला था, वो प्रधान जी जो है कोरोना वाला बुटवा रहे हैं, 10,000 रुपये दे रहे हैं। ये मामला था प्रधान के बाद पैसे खाली हो गया है। जो प्रधान 10,000 रुपये देगा सारे गाँव को उठवाएगा, इस बात के ऊपर मान लिया। अच्छा, चोट कैसे लगी आपको? इसी बात के ऊपर मारी उन्होंने, तो डाल दिन फट चला गया। कौन थे मारने वाले? असलम है, असलम के दोनों लौंडे हैं, साबुद्दीन के तीन लौंडे हैं। क्या नाम है असलम के लड़कों का? क्या चीज मारा आपके सर में? बता दिया, टबल टबल मारा और मैंने वो तो बचा दिया, झपट लगी। टबल तो मार किया ये लगाओ पहले। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद आरिफ जी। आप किस पद पर हो गाँव में? प्रधान पद जी। जी चोट बोट आपको कैसे लगी है? कोरोना के जो चेकअप चल रहे थे, क्या बोले चेकअप जी, उसमें 197 चेकअप और 50 है जी, उसमें 11 पॉजिटिव आए। तो उसमें जो पूर्व प्रधान है असलम, वो गांव में ही अफवाह फैला रहे थे, क्या बोले कि 20,000 प्रधान लेता है और 20,000 रुपये थाना इंचार्ज ले रहे हैं और 20,000 रुपये स्वास्थ्य विभाग ले रहे हैं। तो हम उन्हें समझाने के लिए गए, वो पहले से खड़े थे 15-20 आदमी, धारदार हथियार ले गए और लाठी डंडे हाथ में ले गए। उन्होंने हम पे वार कर दिए और मेरे आँख में पत्थर मारा और जो है मेरे भाई के सर में कुल्हाड़ी मारी और एक भतीजे का चोट आई है और एक छोटे भाई के तमंचा सर पर रखा। क्या का नाम थे इनके जिन्होंने बार किए? एक का नाम असलम जी, शान आलम जी, शादाब जी, और इस्लाम और जो जुल्फुकार और जो पूरा परिवार था लगभग। आपने पुलिस की मदद ली? हाँ, मैंने पुलिस को बुलाया तो पुलिस करीब 5 मिनट बाद पहुँची लगभग। आपने थाना इंचार्ज से बात की? जी कर। क्या कार्रवाई करेंगे? सख्ती से कार्रवाई का आश्वासन दिया? हाँ, आश्वासन दिया। ग्राम महमूदपुर थाना डिलारी में कोरोना को लेकर के पूर्व प्रधान द्वारा कुछ अफवाह फैलाए जा रहे थे, जिस संबंध में मौजूदा प्रधान द्वारा उनसे जानकारी करने का प्रयास किया गया। इसी मध्य इनके बीच मारपीट हुआ, जिसमें 8 लोग नामजद हुए हैं, इन 4 घायल हैं, एक अभियुक्त की गिरफ्तारी की जा चुकी है, शेष विधि कार्रवाई की जा रही है। घायल कितना निकल पाया है? ये 4 लोगों को मामूली चोटें हैं, इनका चिकित्सीय परीक्षण कराया जा चुका है और इनके मध्य आपस में अफवाह फैलाने, कोरोना को लेकर के अफवाह फैलाने के संबंध में मारपीट हुई है। कितने